ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बीते दिनों कार्य के दौरान एक सफाई कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी मृत्यु भी हो गई थी। इससे आक्रोशित सफाई कामगारों ने मंगलवार को निगम का घेराव किया और मृतक के परिवार को मुआवजा सहित सफाई कामगारों के लिए प्रति व्यक्ति 10 लाख का बीमा करवाने की मांग की। महापौर निर्मल कोसरे ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर अपने उद्बोधन में कहा कि सरस्वती निशुल्क साइकिल योजना बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिससे घर से स्कूल की दूरी घट गई है तथा शाला में दर संख्या भी बढ़ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा पाटिल, राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके एवं अंतर्राष्ट्रीय धावक पीटी उषा का उदाहरण भी दिया। सभी छात्रों की श्रमिक कार्ड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारियां भी उन्होंने दी, साथ ही उससे लाभ लेने को कहा। जैसे नौनिहाल छात्रवृत्ति तथा 2 बेटी होने पर उनको शादी के समय मुख्यमंत्री कन्या राशि प्रदान किया जाएगा। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं में मेरिट लिस्ट में आने पर स्नातक की शिक्षा का समस्त खर्च महापौर द्वारा वहन किया जाएगा। सभी छात्रों को अपने माता पिता एवं शिक्षकों को सम्मान करने एवं पढ़ाई पर 100% ध्यान देने की बातें भी उन्होंने कही। छत्तीसगढ़ सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की महत्वाकांक्षी योजना है सरस्वती साइकिल योजना के तहत आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भिलाई 3 में 20 छात्रों को हम लोगों ने आज साइकिल वितरण किया है। कल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 46 बच्चियों को भी साइकिल वितरण किए हैं। शासन की मंशा है कि कोई भी बच्चियां जो है स्कूल की पढ़ाई से वंचित न रहे, साइकिल के अभाव में स्कूल ना आ पाए ऐसी संभावना कम हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आज साइकिल दिया है जिसको हम लोगों के माध्यम से वितरण किए गए हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमारे न केवल छत्तीसगढ़ का अपितु भारत में भी नंबर 1 स्कूल के रूप में इनकी गिनती हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी स्कूल भी है। आज मैंने स्कूल के लिए मॉडल टॉयलेट के लिए 6 लाख रुपया राशि देने की घोषणा की है। कन्याशाला में भी 6 लाख रुपया राशि मेरे माध्यम से दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ जो बच्चे हैं, पहले हम लोग 1 सेशन लगाया करते थे, लेकिन बच्चे जो हैं डबल डबल क्लास होने के वजह से 80 बच्चे किसी क्लास में 75 बच्चे हैं, तो उनके लिए कक्षा की अभाव थी, 5 अतिरिक्त कक्षों का मैंने घोषणा किया है। बहुत जल्द 44 लाख रुपए की राशि से DMF फंड की राशि से स्कूल का निर्माण भी किया जाएगा। बहरहाल शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में एक साइकिल योजना भी छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रही है। छात्राएं आगे बढ़ रही है और अपने आप को मजबूत बना रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।